ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ये हमारी प्लेलिस्ट का टॉपिक था। आपको अभी तक हम ऑर्गेनिक रिएजेंट के थ्रू केमिस्ट्री को किस तरह से आसानी से पढ़ा जाएगा ये काफी समय से लगातार बताते आ रहे हैं, और हमने लास्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट के वीडियो के अंदर आपको एल्कोहल टॉपिक्स के बारे में बताना शुरू किया था। एल्कोहल्स बनाने के मेथड, एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज, काफी सारी चीजें हम उसके अंदर बता चुके थे। जो बच्चे अभी हमसे नए नए जुड़े हैं वो खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2017 वहां पर इस वीडियोस को देख सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट टाइटल के अंदर ये सभी वीडियोस दिए गए हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एल्कोहल्स में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या एक्शन होगा जरा इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। देखते हैं किस हद तक आप इन चीजों को बता सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन हमें तीन कंडीशन में एल्कोहल के ऊपर देखना है। यहां रिएक्शन भी आपसे पूछी जाएगी, मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा किस तरह से इसको करना होगा। तो हमारा आज का रिएजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की यही खास बात है, अगर कंसंट्रेटेड है तो वॉटर रिमूव करता है, अगर डाइल्यूट है तो वॉटर एड करता है। हमने यहां कंसंट्रेटेड लिया है, ये वॉटर रिमूव करेगा। अगर आपके पास एल्कोहल है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन एकदम से नहीं बताना होगा, आपको यहां टेम्परेचर पे ध्यान देना होगा और उस टेम्परेचर को देखते हुए प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना होगा। देखिए, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं टेम्परेचर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर, या आप इसे 383 केल्विन भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है। इन कंडीशन के अंदर अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसे आपको बता रहा हूं कि लो टेम्परेचर 110 यहां पर हम मानेंगे, एक एल्कोहल, दूसरा एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां से वॉटर, वॉटर बाहर, और दो वॉटर बाहर जाने के बाद ये इधर, और हमारे पास बनने वाली चीज होगी डाई इथाइल सल्फेट, ये यहां पर फॉर्म होगा। तो रिएक्शन के दौरान वॉटर का रिमूवल हुआ है, इसे डिहाइड्रेशन कहा जाएगा। टेम्परेचर कंडीशन को याद रखेंगे। ऐसे ही अगर यही रिएक्शन 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन पे आपको दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, अब टोटल तीन मॉलिक्यूल नहीं सिर्फ और सिर्फ दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एक एल्कोहल दूसरा एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड को यहां लिख दीजिएगा, और रिएक्शन होगी, वॉटर बाहर जाएगा और इस तरह से यहां बनने वाली चीज ईथर होगी। तो आपने देखा कि अगर टेम्परेचर लो था तो बना कुछ और, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो बना कुछ और, यहां पर ईथर फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से आपको डिफरेंस याद रखना है। अब इस रिएक्शन का आपसे मैकेनिज्म भी पूछते हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, तो ध्यान से कीजिएगा। मैकेनिज्म देखिए क्या होगा, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होगा एच पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के अंदर, फिर इनमें से एक एल्कोहल, लेट दिस इज द एल्कोहल, यहां पे प्रोटॉन का अटैक होगा, प्रोटॉन लोन पेयर पे अटैक करेगा और इस तरीके से CH2OH पॉजिटिव ये यहां बनेगा। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है बुरा मान जाता है और बुरा मान के बाहर चला जाता है और इस तरह से कार्बोकैटायन यहां पे फॉर्म होता है। तो एक एल्कोहल पे प्रोटोनेशन हुआ, डिहाइड्रेशन, कार्बोकैटायन। नाउ अब दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा, दिस इज सेकेंड एल्कोहल मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर यहां जो कार्बोकैटायन बना वो अटैक करेगा, कार्बोकैटायन अटैक करेगा और इस तरह से स्पीसीज बनेगी OH पॉजिटिव
CH2CH3 एक प्रोटॉन लिया था, यही प्रोटॉन बाहर चला जाएगा और बची हुई चीज ईथर हमारे पास फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को और इसके मैकेनिज्म को याद रखना होगा। एग्जाम में कहेंगे शो द मैकेनिज्म बाय विच अल्कोहल फॉर्म ईथर, या आपसे कहेंगे कि आप मैकेनिज्म बताएं जब सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पर रिएक्ट करता है, रिएक्शन भी बताएं मैकेनिज्म भी बताएं। साथ साथ कॉपी में नोट करके रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। एक और चीज, ये टेम्परेचर 110 था, ये टेम्परेचर 140, अब एक और टेम्परेचर आपने करना है 170 या 443 केल्विन। अब जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमने टेम्परेचर बताए 4, आपके पास पहला बताया 110 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा बताया 140 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा बता रहे हैं 170 डिग्री। केल्विन के अंदर अगर दिए जाते हैं तो ध्यान रखेंगे 383 केल्विन, 413 केल्विन और 443 केल्विन। टेम्परेचर में प्लस माइनस 10 हो सकता है तो उसके ऊपर ज्यादा इश्यू नहीं बनाना। अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही काफी होगा, इस एक अल्कोहल में ही रिएक्शन होगी। कैसे? यहां से OH गया, यहां से H गया, इस तरह से वाटर बाहर जाएगा और वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म होगा। तो ऐसे हमने देखा यहां टोटल 3 मॉलिक्यूल थे, 2 अल्कोहल एक सल्फ्यूरिक एसिड, यहां 2 मॉलिक्यूल थे अल्कोहल के और यहां पर सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। इसका मैकेनिज्म सीखिएगा। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन का लॉस करेगा इस तरह से, फिर इस प्रोटॉन को अल्कोहल गेन करेगा, साथ साथ मैकेनिज्म बना लेंगे तो हो जाएगा यहां से प्रोटॉन को अल्कोहल गेन करेगा और ये हमारे पास CH3CH2 H पॉजिटिव ये बनेगा। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बुरा मान जाएगा, यहां से वाटर बाहर चला जाएगा और इस तरह से कार्बो कैटायन फॉर्म होगा। ना अब एक ही अल्कोहल है, अब देखिए क्या होगा, यहां से प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ऐड किया था, एक प्रोटॉन बाहर निकालना है, यहां से प्रोटॉन बाहर जाएगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज और इस तरह से ये एल्कीन यहां पे फॉर्म होगा। तो आपके एग्जामिनेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन आएगा गिव द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अल्कोहल, बिना पूछे तीनों कंडीशन बतानी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा अल्कोहल से ईथर बनाना है, मैकेनिज्म बताओ, पिछला आपको मैकेनिज्म जो बताया गया था, या अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, मैकेनिज्म बताओ, इस मैकेनिज्म के जरिए आपने इसको करना होगा। तो बच्चों इसी तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन आपको अल्कोहल में भी करना है, इन्हें बहुत अच्छे से कीजिएगा, अलग से पढ़िए, इस चैप्टर के साथ कीजिए, जैसे भी हो लिख लिख के जरूर याद कीजिए, ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे ऑक्सीडेशन किस तरह से अल्कोहल में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन वहां पर हो सकता है। तो ऐसे पढ़ते रहिए और बुलंद करते रहिए नारा हैप्पी एग्जामिनेशन का।